लोग बोलते हैं 25,000 मशीन लेके बिजनेस शुरू करो, भाई कहाँ से शुरू कर लेगा? इस मशीन में ऐसा है क्या जो 25,000 में लोग मशीन बेच रहे हैं, वो आपको मैं बिल्कुल 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 में दे रहा हूँ, लेकिन उसका ये गारंटी है काम है, ये किसी काम का मशीन नहीं है। आप यहाँ से ले जाओगे, मैं बोल दूंगा चाइनीज मशीन ये किसी काम का नहीं है, बट हमारी जो मशीन है ये इंडियन मशीन है, इसका वेट लगभग अप्रोक्स 1 क्विंटल 60 kg के करीब आता है, 160 kg वेट करीब में। बिहार के मुजफ्फरपुर में हमारी कंपनी है, आप यहाँ पे विजिट करके अपनी आंखों से सारी चीजें देखकर सैटिस्फाई होकर हमसे मशीन परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि हमारे पास सारे टाइप के रॉ मटेरियल प्रोवाइड होंगे, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है ना कि डाई प्रोवाइड करने के लिए बोलती है कि बहुत सारा एक्सपेंस लेना चाहती है, मतलब 4,000-5,000। हमारे पास आप डाई भी ले सकते हैं, जितनी सीट होती है सीट के बारे में बताया कि हमारे 4-5 लाख में सीट अवेलेबल है, तो आप अपने नाम से ब्रांडिंग भी करा सकते हैं, जो भी आपका नाम होता है ना इस नाम से आप ब्रांडिंग करवा सकते हैं सीट का, और डाई देख सकते हो कितना सारा, ये देखो ये मसाला पैकिंग डाई होगी, स्टील स्क्वायर मशीन में डाई, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको नीचे अपना रॉ मटेरियल दिखाया जो कि लूज थे, जिसको आपको पैक करना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारा मतलब मेरे पास पैक रॉ मटेरियल है होती है, जो कि बहुत सारे लोग के पास मशीन नहीं होता, वो लोग बोलते हैं सर बना बनाया माल चाहिए हमको, तो उनके लिए हमारे पास पैकिंग मटेरियल भी होती है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास पैक रॉ मटेरियल सारा होता है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देख सकते हो फोम पैड आपको मेरे पास पैक मिलती है, इसमें आपको लड़ी वाली मिल जाएगी, आपको 12 पीस वाली पैकिंग मिलेगी, 1 दर्जन वाली, यहाँ पे पीपी स्क्रब हो गया, प्लास्टिक स्क्रब उसको कहते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो टूथब्रश, ये देखो ये रोम मतलब खुला हुआ टूथब्रश आपको मिलता है, जिसको आप अपने इसमें स्टील स्क्वायर पैकिंग मशीन में पैक कर सकते हो, अच्छे से इसमें पैक हो जाएगी, इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल रहता है ना, तो देख सकते हो। और यहाँ देखो हमारे पास कितने सारे ब्लिस्टर अवेलेबल है, ब्लिस्टर हमारे पास जैसे कि लाइन 25 दिल से बहुत सारे टाइप के ब्लिस्टर आते हैं, तो पहला चीज़ यार लोग बता रहे थे कि ब्लिस्टर चिपकता नहीं है, एक अच्छे क्वालिटी का ब्लिस्टर लोगे आप तो बिल्कुल वो चिपकेगा, लोग क्या कहते हैं एक अच्छा खासा मार्जिन लेके ब्लिस्टर का 240-250 रुपये लेके और सेम ही सेकेंड कॉपी दे देते हैं, वो हमारे पास ब्लिस्टर सारा फर्स्ट क्वालिटी में रहता है, देख सकते हो ये सब ब्लिस्टर, देखो ये सब मेरे को लगता है आपने शायद देख से पहले देखा भी नहीं होगा, अलग अलग वैरायटी में हमारे पास ब्लिस्टर अवेलेबल रहते हैं। और आगे आपको मैम बता रही कि हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों अभी मैंने नीचे आपको सारा स्टॉक दिखाया था कि कितना सारा हमारे पास लूज में मटेरियल अवेलेबल है, इसके अलावा अगर आप मशीन अभी नहीं खरीद सकते या फिर आपको रेडी प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो फिर मैं आपको झूने का रेडी प्रोडक्ट तो नहीं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ रेडी प्रोडक्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म पैड आपको अलग अलग साइज में मिलने वाला है, अलग अलग साइज में मैं आपको ये प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, इसके अलावा जो है आपको ये लड़ी में और पैकेट में दोनों ही मैं आपको अवेलेबल करवाने वाली हूँ, अगर आप लड़ी में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर पैकेट में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा जो मेरे पास स्टॉक है, ये पीपी स्क्रबर का स्टॉक है, ये आपको अलग अलग साइज में मिलने वाला है, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, जितने ग्राम में आप लेना चाहते हैं ये आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मेरे पास जो है आपको ब्रश का रॉ मटेरियल मिलने वाला है, जो सर ने आपको अभी दिखाया, और दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे भी कार्टून काफी सारे रखे हुए, तो वो मैं आपको सारा दिखाना चाहूंगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बैंड सीलर मशीन हमसे लेते हो तो बैंड सीलर मशीन का भी रॉ मटेरियल आपको सारा मिलने वाला है। जी हाँ, ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन आप लेते हैं तो उसका रॉ मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर बैंड सीलर मशीन लेते हैं आप तो बैंड सीलर मशीन का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमको अलग अलग साइज में ग्रीन पैड चाहिए, अलग अलग पाउच के साइजेस चाहिए, या फिर आपको मसाले के पाउच चाहिए, तो दोस्तों वो सारा आपको हमारे पास मिलने वाला है। ये जो है आपके ग्रीन पैड के कार्टून रखे हुए अलग अलग साइज में, ये आपके ग्रीन पैड अवेलेबल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं आपको ये अलग अलग साइज में अलग अलग क्वालिटी में ग्रीन पैड मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको किसी भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने वाली है। बाकी मैं आगे आपको डाई दिखाने वाली हूँ कि इतना यहाँ पे डालने के बाद मशीन ऑटोमेटिक आपको काम करेगी, कुछ भी आपको अंदाजे से नहीं करना है, मशीन का काम है 3 सेकेंड का, 2 से 3 सेकेंड में आपकी पेस्टिंग होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ओनली 2 से 3 सेकेंड लगे हैं और पूरी लड़ी बनके तैयार हो गई है। फिनिशिंग आप देख सकते हो, फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है इसमें। और रही मैं इसके मार्जिन की बात करूं दोस्तों, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका एक पीस बनके तैयार होगा 2 रुपए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पीछे यहाँ पे आप काफी सारी डाइयां देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारी डाइयां अवेलेबल है, कितनी सारी क्वांटिटी में। तो
अगर आप स्क्रबर की डाई लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मिलेगा आपको। रेडी टू स्टॉक जो हमारे पास रहती है, स्क्रबर, मसाला, ड्राई फ्रूट या फिर आपका टूथब्रश की डाई, आपको हमेशा रेडी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई अपना कोई पर्सनल प्रोडक्ट आपका जैसे काजल हो गया या फिर किसी भी तरीके की आप डाई बनवाना चाहते हो, खिलौने की डाई बनवाना चाहते हो, तो वो सारी डाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बना के देंगे, ऑन मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सारी क्वांटिटी में, कम से कम 2 से 3 लाख की क्वांटिटी में यहाँ पे शीटें अवेलेबल है। ये सारी दोस्तों मसाले की शीटें होने वाली है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ मसाले की शीटों के इतने ज़्यादा स्टॉक है, आपने नीचे भी देखा कितना ज़्यादा शीट हमारे पास अवेलेबल है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास मिलने वाला है और रॉ मटेरियल की आपको कभी कमी नहीं होने वाली है। और दोस्तों अगर आप कहीं और से मशीन लेके फंस चुके हैं, अगर आपको कहीं से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाले हैं और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप कहीं और फंस चुके हैं, आपका बिजनेस नहीं बन पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। और अगर मशीन परचेज करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, वीडियो कॉल करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर विजिट करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी बिहार में है, बिहार के मुजफ्फरपुर। और किस तरीके से मार्केट में आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही साथ हमारी कंपनी किस किस मशीन पर डील करती है, हम लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो इस मशीन से स्टार्ट करते हैं। आपने ये मशीन जो है मार्केट में काफ़ी देखी होगी और ये जो मशीन है आपकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये मशीन है। बहुत ही कम रेंज में आपको ये मशीनें मार्केट में देखने को मिली होंगी। ये जो मशीन है और कंपनियाँ जो है इस मशीन को 25 से 30 हज़ार के बीच में सेल कर रही है, पर ये मशीनें जो है आपको हमारी कंपनी में मात्र 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार की मिलने वाली है ये मशीन। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इस मशीन की खासियत या इस मशीन को खरीदने की हानियां बताने वाली हूँ। तो ये जो मशीन है आपकी, ये आपकी चाइनीज मशीन है। तो अगर दोस्तों अगर आप हमसे भी ये मशीन परचेज करना चाहेंगे तो हम आपको परचेज करने से पहले इसकी सारी प्रॉब्लम्स, इस मशीन से जो जो दिक्कतें आती हैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपको मशीन हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी हल्की मशीन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मशीन को देख के कि ये जो मशीन है मात्र आपकी 20 से 22 किलो की मशीन होने वाली है। प्लस इस मशीन की आप प्लेट देख सकते हैं, ये मोटी तो बहुत लग रही है प्लेट, पर अंदर से ये पूरी प्लेट खोखली है। आप इस तरीके से आवाज़ करके देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ आ रही है, अंदर से पूरी मशीन खोखली है। प्लस ये जो मशीन है आप इस मशीन को जो प्रेस करते हैं तो ये मशीन यहाँ पे लॉक हो जाती है। तो दोस्तों जब ये मशीन आपकी लॉक हो जाती है तो इसमें प्रेशर नहीं बढ़ पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका काम होने वाला है, ब्लिस्टर पैकेजिंग का काम होने वाला है, इस काम में आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर चाहिए। जितनी हैवी आपकी मशीन है, जितना ज़्यादा आपका मशीन का प्लेट का वेट है, उतनी अच्छी आपकी पेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 से 22 किलो की मशीन क्या ही प्रेशर देगी और कितने अच्छे से, कितने बेकार तरीके से आपकी पेस्टिंग करेगी। इस चीज़ का आप अंदाज़ा खुद लगाइए। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता तो आप हमारी कंपनी में आइए, हम आपको डेमो करके दिखाएंगे प्रॉपर दोनों मशीनों का, इंडियन मॉडल और चाइनीज मॉडल दोनों मशीनों को डेमो करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फ़र्क है और किस तरीके से ये मशीन काम करती है और किस तरीके से ये जो मशीन है आपकी मार्केटिंग खराब करती है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये मशीन जो है, सो ये मशीन एक्चुअली आती है टी शर्ट प्रिंट के लिए, जो कि आप देख सकते हो ये ऐसे आती है, ये इसमें स्लाइडर लगा लॉक हो गया, इसमें कहीं से कोई प्रेशर पड़ने वाला नहीं है। और एक बात बताओ, जब तक इस मशीन में प्रेशर नहीं आएगा तब तक इसमें जो भी पत्ता प्रिंट होगा आपका, जो भी स्टील स्क्रबर पैकिंग होगी, वो फिनिशिंग नहीं आएगा, और फिनिशिंग नहीं आएगा तो आपसे कोई भी कस्टमर खरीदेगा नहीं। और बाय द वे एक बार कस्टमर खरीद भी लिया और तब भी आपका उसका जो वो ब्लिस्टर होता है ना, वो बार बार छूट जाएगा। मैंने ये मशीन सिर्फ रख रखा है कस्टमर को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस मशीन का डिमेरिट क्या है, इस मशीन को क्यों नहीं लेना चाहिए।